ये देखो रोड हो गया बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। सारे भाइयों को राम राम भाई, आज फिर स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज फिर से हम जा रहे हैं अयोध्या, पर आज है कुछ काम तो इस चीज़ का व्लॉग नहीं दिखाऊंगा मैं। क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं, कोई बिजनेस मीटिंग है, कल वापस आना है इसी टाइम तक। अभी बज रहे हैं 4 PM और अगले दिन 4-5 PM रात तक भी आ जाए, मतलब अगले दिन आना ही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जो मैं पहले अयोध्या गया था, जब मैं आ गया था ना तो मैंने आप लोगों को खर्चा नहीं बताया था उस चीज़ का। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि खर्चा कितना हुआ था मेरा और क्या क्या चीज़ें लगी थी। अभी तो जाम है, जैसे ही जाम से हटते हैं आगे कहीं भी एक्सप्रेसवे पे पहुंचेंगे या फिर देखते हैं सुबह रास्ता कहीं भी ठीक सा हुआ तो वहाँ सारी चीज़ें बताऊंगा। आज का व्लॉग बस यही रहेगा, अयोध्या का एस्टिमेट मेरा कितना आया था मेरे तरीके से रहने का। अपने साथ हमारा भाई शंकर। हेलो सारे भाइयों को राम राम। आज हम दोनों जा रहे हैं और जो काम है, अब जो अयोध्या का व्लॉग मैंने तो आप लोगों को दिखा दिया था तो शंकर बनाएगा भाई अपना। हाँ, उसमें कुछ यूनिक हो सकता है, अगर हम वहाँ नहाए राम की पैड़ी पे तो दिखा देंगे आपको कि भाई हाँ स्नान कर लिया। जब मैं गया था जब तो सर्दी थी, अब दिल्ली में एसी चलाने की नौबत आ रही। अब देख लो गाड़ी में एसी चला रखा है गाड़ी में। हाँ तो अब चलते हैं और फिर गाड़ी में अपना तेल फुल कराएंगे, तेल भी कम है। जयपुर गया था भाई, जयपुर का भी आप लोगों को नहीं दिखाया, वो थोड़ा सा काम था और एक फैमिली फंक्शन था, उस चक्कर में नहीं बना पाया वहाँ का मैं। तो अब जैसा भी होगा आपको दिखाते हैं, आगे चल के गाड़ी में तेल डलवाते हैं। एक बार जा रहे हैं पहले गुड़गावा, शंकर को कपड़े वगैरह लेने हैं अपना रात को सोने के लिए। वहाँ पहुँचेंगे रात को 12-1 PM तक। फिर जिस होटल में रुके थे भाई अपना तो वही है, वही अपने बढ़िया भाई हैं, उनको फ़ोन कर दिया कि भाई एक रूम रेडी करा दो, 12-1 PM, 2 PM तक आ जाएंगे, फिर वहाँ सोएंगे, सुबह अपना जो बिजनेस मीटिंग है वो अटेंड करेंगे। और भाई अपना पैसे कमाओ, पैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारे शौक पूरे हो जाते हैं। पैसे कमाने में ध्यान दो, बढ़िया अपना काम करो, जो पहले से ही खुद के 1-2 बिजनेस हैं भाई और बढ़ाओ। कि अगर 1-2 कोई तो ऐसी सिचुएशन आती होगी जैसे मेरे साथ आती है, कभी कोई मंदा हो जाता है, कभी कोई मंदा, तो ज़्यादा जितने काम होंगे ना तो भाई कोई ना कोई तो चलेगा ही। अब 2024 में तुम्हारे भाई का तो यही एम है कि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम 4-5 बिजनेस सेट कर लूँ मैं और भगवान आशीर्वाद रखे तो जल्दी स्विफ्ट की जगह BMW दिखेगी आपको। इसको और भाई सच में ही लेनी है, इसको हम बेचेंगे नहीं भाई, कभी भी पूरी रखेंगे इसको 15 के 15 साल, बाकी बाद में करेंगे, वो भी ले लेंगे यार, एक इच्छा है लेने की, लेंगे तो ज़रूर। देखते हैं हमारा भोलानाथ बाबा खाटू श्याम हमें कब दिलाएं, राम जी कृपा रखें हम पे, तो जल्दी ही लेंगे भाइयों। आगे हैं हम ग्रेटर नोएडा वाले हाईवे पे, जो सीधा आप लोगों को यमुना एक्सप्रेस वे पे जोड़ता है, और ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। हम निकल तो गए थे जल्दी, अब आप लोग ये बोलेंगे कि इतनी पहले निकल गए अभी तक ग्रेटर नोएडा। भाई हम पहले गुड़गांव चले गए थे रवि के ऑफिस, कपड़े वगैरह लेने थे, इसको कपड़े पहनने थे, एक जोड़ी और एक जोड़ी हमने ले लिए हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं राम की पैड़ी पे नहा के आने की। और जाम चेक करो आप लोग, देख लो भाई जाम है ज़बरदस्त। बाकी अब यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे, अगर जाम हट गया तो फिर 15 मिनट का भी रास्ता नहीं है भाई। और गाड़ी आज बिल्कुल भी नहीं भगाएंगे, बिल्कुल बढ़िया एवरेज निकालते हुए जाएंगे। पेट्रोल अभी डलाया नहीं है, पेट्रोल डलवाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे पे ही पहले टोल के बाद मथुरा के आसपास। वाह अभी तो है इसमें देखो 3 पॉइंट हैं अभी तो, और दिखा रही है 150 किलोमीटर रेंज तो चली जाएगी। यहाँ से होगा 100 किलोमीटर होगा मथुरा, तो चलते हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर मिलेंगे। खाना हमने खा लिया था रवि के भाई, इसलिए ही हम लेट हो गए हैं। इसने भाई बढ़िया अपना मलाई चाप खिलाई, मसाला मलाई चाप एक नंबर, रुमाली रोटी के साथ बढ़िया मज़ा आ गया, फर्स्ट क्लास। और अब ऐसे धीरे धीरे चले जा रहे हैं, अभी गाने भी नहीं सुन रहे हैं, गाने चलाएंगे अभी थोड़ा सा जब रनिंग ट्रैफिक आ जाएगा ना, रुक रुक के। अभी तो गाड़ी पहले गियर में चल रही है और भाई एवरेज निकालनी है बहुत बढ़िया, कोशिश करूँगा मैं एक टंकी में जाने की। हालांकि मैं गया हुआ हूँ पहले, पर थोड़ा और
वो कर लूं, क्योंकि सुबह ही पहुंचना है, ऐसा कुछ है नहीं रात को भी जाके हम कुछ कर नहीं लेंगे, रात को पहुंच भी गए तो जल्दी सुबह तक भी पहुंचेंगे आराम से, अंडर लिमिट चलेंगे भाई, जो रोड पे लिमिट होगी ना, जहाँ 80 होगा वह 80 चलेंगे, जहाँ 100 होगा 100 चलेंगे, उसके हिसाब से एवरेज निकालेंगे, आज मन है एवरेज निकालने का तो देखते हैं। क्या नाम है भाइयों? आगे यमुना एक्सप्रेस वे पे, और अब थोड़ा जाम से राहत से मिली है, बिल्कुल जाम खत्म हो गया, अब आगे चलेंगे, और इसको तो ऐसा कुछ मन है नहीं कि नहीं खाना खा के चले थे लेने का, पर अगर कहीं रुकेंगे तो जरूर दिखाएंगे। ये देखो रोड हो गया बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली, चलो फिर चलते हैं। हमारे शंकर का फोन आ गया है, शंकर फोन पे बात कर रहा है भाई, पैसा भी जरूरी है ये भाई, पैसा कमाओ शंकर की तरह कमाओ, बताता नहीं कितना कमाओ। आ गया भाई पहला टोल, और ये हम आ गए हैं मथुरा, अब भाई टोल कटा के फिर चलेंगे, चलते रहेंगे 700 किलोमीटर एक तरफ है, ऐसे ही चलते रहना है, जहाँ रुकेंगे वो आपको दिखा देंगे, ऐसा तो अभी रुकने का कोई प्लान है नहीं, खाना वगैरह खा लिया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लेके आए थे, और चाय पीनी नहीं है, सुबह तक धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे, चाय क्या पीनी इतने से सफ़र में, वैसे भी चाय ख़राब चीज़ होती है, पापा कहते हैं, पापा को पता चल गया ना चाय पी ली, लट ऐसे पड़ जाएंगे अगर वो लोग देख लिया तो उन्होंने। भाई और मथुरा का टोल क्रॉस कर दिया हमने, और अब कंटिन्यूसली गाड़ी 90 और 100 की स्पीड से चली जा रही है, बहुत बड़ी एवरेज दे रही है, ऐसे ही चलते रहेंगे, रुकना वगैरह कहीं है नहीं, चाय हम पीते नहीं और पियेंगे तो बता देंगे, बाकी हम कोल्ड ड्रिंक और अपना जूस वगैरह साथ में लेके आए हैं भाई, चिप्स वगैरह है छोटी मोटी, और फिर देखेंगे रुकेंगे तो जरूर दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखो रोड बिल्कुल है खाली, कंटिन्यूसली गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, बिल्कुल बढ़िया, और गाड़ी आज गंदी है उसके लिए सॉरी भाई, शंकर जैसा ही हो गया आज तो, मैं बहादुर नहीं आ रहा भाई 2 दिन से, मेरी कोई गलती नहीं है, धुलवाने की मैंने सोची नहीं, क्यों जयपुर गए, जयपुर से फिर आते ही सीधा भाई सोनीपत चले गए भाई, एक छोटा सा फंक्शन था वो अटेंड करके फिर आज एकदम निकलना पड़ गया अयोध्या, काम था जैसे कि मैंने बताया वो आप लोगों को बता नहीं सकते भाई, उसके लिए हम सॉरी, कुछ चीज़ें भाई पर्सनली रहने देते हैं ना उनको, नहीं बिल्कुल वो करेंगे। और ये जा रहा तुम्हारे भाई का सपना भाई, ये जा रहा BMW की कोई भी गाड़ी मिल जाए, वैसे तो देखो 5 सीरीज पसंद है अपने को, या 340i, भगवान बस अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप जैसे भाइयों का साथ रहे लाइफ में, तो क्यों नहीं, हमें क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और भाई सबको मिल सकता है, और फिर ये ही रोड होगा और वही हम होंगे, बस गाड़ी चेंज होगी, चलो ज्यादा होगी बस। हाँ एक बार तो भगा के देखेंगे भाई, एक बार तो जरूर भगा के देखेंगे, क्योंकि एक बार तो सारी भगा के देखते हैं हम, स्पीड बताएंगे नहीं, कहीं चलाना जाए ट्रैफिक वाले अंकल कोई देख ले और चला जाए कि खुद वो कर रहा है भाई, ये तो अपना कबूल कर रहा है खुद कि इतनी भगाई इसलिए, तो वो तो हम बताएंगे नहीं, बाकी अपनी भाई अपने पास जितनी भी गाड़ी है फैमिली में, मेरे बड़े भाइयों के पास, मेरे यार दोस्त हैं भाई जिनकी भी जो मैं चलाता हूँ भाई, और सारी अपना स्पीड चेक कर रखी है, सबकी टॉप स्पीड चेक कर रखी है आपके भाई ने सबकी बिल्कुल, और ऐसा कोई है नहीं कि ये स्विफ्ट में चल रहे, तो ये भाई सारी अपनी है, सारा भाई है अपना, सारा सर्कल है, सारा भाईचारा है, ये गाड़ी घोड़े तो ऐसे ही बनते रहते, आदमी होने चाहिए बस भाई, वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भीड़ बताती है आदमी कैसा है, तो वो वाला सिस्टम है भाई, अपने सारे बड़े भाई है मेरे भाई, बहुत बढ़िया है सारे, और उन सब ने भाई मिल के मेरे को, मेरे परिवार वालों ने सबको ये प्रेरणा दी कि भाई तू कर व्लॉग कर, नहीं तो पहले मैं भाई बहुत शर्माता था, अब तो मैं बना भी रहा हूँ आप लोगों के सामने ना, व्लॉग आ भी रहे हैं, पहले तो मैं कैमरा ऐसे ही नहीं बस फोटो खिंचवा लेते, कैमरे के सामने बोलता नहीं था, और भाई ये सारी चीज़ें करके अब सीख गए हैं तो अब बोल पा रहे हैं, इतना मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी बातें कर लेता हूँ कैमरा चालू करके अब, और आसपास लोग भी देखते हैं भाई, अभी इतने तो कोई सब्सक्राइबर हमारे हुए नहीं है कि बहुत वो हम टॉप के वो हो गए हैं कि लोग हमें रोकें और फोटो खिंचवाएंगे ये वो, पर वहाँ तक भी ज़रूर बहुत चाहिए भाई, और कभी घमंड नहीं होगा इस बात का, ये विश्वास दिलाता हूँ मैं आप लोगों को, बाकी सभी का भाई हाथ है
मेरी व्लॉगिंग शुरू कराने में, और सबसे ज़्यादा भाई मेरे बड़े भाई का, विवेक नाम है उसका, वो अभी तक व्लॉग में तो आया नहीं है। उसने बहुत कहा कि बढ़ाओ बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो बढ़ाता नहीं है, बढ़ाता नहीं है, घूमता तो रहता ही है। उसी की देन है जो आज ये गाड़ी है और सारा घूम रहे हैं इधर उधर, सारी चीज़ बढ़िया है। और भी भाई हैं अपने बाकी, तो पहले भी होता था लेकिन तब कुछ ऐसा नहीं था, अपना फेसबुक और इंस्टा पे डाल दिया तो डाल दिया, लेकिन अब ये है प्रॉपर यूट्यूब पे डालते हैं और प्रॉपर जानकारी देते हैं। ब्लॉग बनाने से थोड़ा सा ये भी है कि हम लोग नॉलेज हम लोगों को खुद को मिलती है, वैसे हम खुद जाके खाली घूम के आ गए बस, दर्शन करके आ गए, लेकिन अब जब हम किसे पूछते हैं और आप लोगों को बताते हैं तो हमें भी जानकारी मिलती है इस चीज की। और भाई उस दिन दर्शन जो नहीं किए थे ना, इसके चक्कर में नहीं किए थे, क्योंकि मेरे को पता था इसके साथ आना पड़ेगा, आज ये है वजह तो हमरे है ही, तो फिर भाई दर्शन करेंगे, दर्शन भाई दर्शन करके जरूर आएंगे भाई अब की। पर एक और चीज भाई, कैमरा अंदर जाने नहीं देते वो, पिछली बार जब मैं गया था तो मैंने देख लिया था कैमरा अंदर जाने नहीं देते, ना तो वो चीज आपको इसके व्लॉग में मिलेगी ना मेरे व्लॉग में, वो वीआईपी को एंट्री देते हैं भाई कैमरा लेके, पता नहीं क्यों ना जाने, कभी बने तो जब भी, और जब भी बने भाई वीआईपी बन के तो हम कभी जाएंगे नहीं, लाइन में लग के ही भगवान के दर्शन करने। वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पापी, और जो आसानी से मिल जाए भाई वो चीज ही क्या है, संघर्ष करके जो मिले ना वो बड़ा। बस, बस। सारे भाई अपना व्लॉग देखो भाई, प्यार दो, अब मिलते आगे, जाम रुकेंगे, आगे दिखाने का कुछ है नहीं, रोड बिल्कुल खाली चल रहा है देख लो, ऐसे ही है। और अब हम अपनी कंटिन्यूसली स्पीड पे चल रहे हैं, 100 पे बिल्कुल आराम है, और अब टंकी फुल कराते हैं, देखते हैं कितने में हुई, फिर मिलते हैं आप लोगों से। भाई पेट्रोल पंप पे आ गए हैं अब हम मथुरा टोल के बाद, और यहाँ कराते हैं अपनी रानी की टंकी फुल, और उसके बाद फिर चलेंगे खिचम खिच, फिर नहीं रुक रहे कहीं भी। अगर कुछ रास्ते में ऐसा दिखा रेस्ट करने का मूड बना, वैसे तो कोई है नहीं रेस्ट करने का मूड ना, कि रेस्ट करना पड़ेगा। ये आगे पेट्रोल पंप, और फुल कराता हूँ आपको बता दूंगा बार बार, तो क्या दिखाना फुल करके, लोग और देखते हैं घूर घूर के क्या कर रहे हैं क्या नहीं तो टंकी फुल करा के फिर बताता हूँ आपको कितने रुपए में फुल होगी और उसमें कितने किलोमीटर चलेगी। बाकी पिछली अयोध्या ट्रिप का खर्चा मैं आपको रास्ते में बता दूंगा, सुबह जब वहाँ से निकलेंगे तब कहीं रुक के आराम से शांति वाली जगह जब बताता हूँ। चलो अब टंकी फुल करा लेते हैं भाई। भाई तेल डलवा रहे हैं गाड़ी में, 96.11 रुपये है, दिल्ली में भी इतना ही है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं, फुल करा लेते हैं और फिर अच्छे छोटे रिचार्ज को गाड़ी चलाने को देंगे और फिर निकलेंगे सीधा अयोध्या के लिए भाई। और ये हमारे भाई हैं, तेल भर रहे हैं, इन्हीं से भरवाओ, सस्ता तो देंगे नहीं, रेट टू रेट देंगे चलो फुल कराने के बाद मिलते हैं। हाँ दिल्ली से सस्ता है शायद, एक आध रुपये। टंकी होगी है फुल और ट्रिप भी करते हैं ज़ीरो, और अब चलते हैं, आप देखेंगे भाई इस टंकी में कितनी चलेगी गाड़ी अपनी, और उसके बाद दोबारा बताएंगे। मेरे हिसाब से 700 किलोमीटर तो चल जानी चाहिए, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ना 700 किलोमीटर तो चल जाएगी बहुत आराम से, बाकी देखते हैं कितना चलती है क्या नहीं। अब कर लेते हैं भाई टॉयलेट वगैरह, पानी की बोतल वगैरह ले लेते हैं, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब भाई, और सीट चेंज करेंगे, हमारा शंकर बैठेगा ड्राइविंग सीट पर, इसको बोल दिया है मैं 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए भाई बिल्कुल भी, बाकी मैं भी जगा हुआ हूँ, नींद मेरे को आएगी नहीं इतने ये चलाएगा, क्योंकि अपने को तो भाई जब अभिषेक और सन्नी चलाते हैं तभी नींद आती है, इसके साथ नहीं नींद आएगी। भाई टंकी फुल करा दी है, ट्रिप ज़ीरो कर दिया जैसा कि आप लोगों को दिखा दिया, अब चलते हैं, सीट हो गई है चेंज, शंकर डोन चला रहा है और चलते हैं, नींद तो आने नहीं वाली, ये चला रहा है तो भाई नींद तो अपने को जब ही आएगी जब अभिषेक और सन्नी चलाता है, बाकी चलो चलते हैं ऐसे ही बात करते गाने सुनते सुनते पहुंच जाएंगे, रास्ते में जा रुकेंगे वहाँ ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाएंगे जो अगर हमें दिखेगा तो, नहीं तो इन खाली रोडों को आप लोगों को क्या दिखाएं हम, इन खाली रोडों पे कुछ नहीं है, गाड़ी 100 की स्पीड पे कंटिन्यूसली शंकर चला रहा है, फुल टंकी करा के शंकर को दी है, एवरेज नहीं निकाली तो रास्ते में ही पिटेगा एवरेज निकाल भाई ये सोने की बात कर रहा है, कई बार सो चुका है मेरी ड्राइविंग पे, लेकिन खाली बातें करने के तरीके हैं इसके। चलो भाई शंकर कह रहा तो होंगे बातें करने के तरीके, बाकी अब मिलते हैं आगे कहीं रुकते हैं तो, बाकी रुकने का कुछ है नहीं, चलते रहेंगे ऐसे, कोशिश करेंगे कि लखनऊ भी जाके रुके, अब 300-400 किलोमीटर खींचते हैं भाई,
सही से मतलब 90-100 और ये खड़ी गाड़ी, अब गाड़ी चलाएगा तुम्हारा भाई। शंकर कह रहा है 100 से ऊपर भगवाए तो मैं चलाऊ, 100 चला लिया तो तू चला। शंकर है फास्ट ड्राइवर। अब भाई 100 चलानी है एक टंकी में, 10 वापिस आना है तो भाई 100 और 90 चलानी पड़ेगी। अब देखते हैं तुम्हारा भाई चलाएगा, अब थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करे, इसकी 1-2 फोटो खींच दूं, उसके बाद चलते हैं। गाड़ी देख लो, गाड़ी गंदी है, गाड़ी को क्या दिखाऊं, पर फिर भी देख लो। चलो अब बैठते हैं, मोर्चा संभालते हैं भाई। आ गए हैं भाइयों अयोध्या, होटल में पहुंच गए हैं, बस ये मार दिया यू टर्न और अब जाके गेट वेट खुलवाते हैं। सागर को बोलते हैं कि भाई गेट खोल, होटल वही है अपना गैलेक्सी गेस्ट हाउस, जैसा कि हर बार मैं रुकता हूँ यही। और अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर नहा धो के निकलेंगे थोड़ी देर में। गेट बंद कर रखा है, सागर को उठाते हैं फोन करके भाई। चलो मिलते हैं सुबह नहा धो के। आगे भाई जो काम था वो कर लिया है, और हमारे शंकर के दर्शन आज भी नहीं हुए, बहुत भीड़ थी भाई राम मंदिर पे, जैसे पहले थी। आज पता नहीं कुछ अमावस वगैरह बता रहे थे क्या है क्या नहीं। अब रुके हैं यहाँ ढाबे पे, और कोई यहाँ खाने का कुछ था नहीं रास्ते में, तो यही अपना ये कड़ी अपनी गाड़ी, बाहर धूप है फोकस नहीं हो रहा होगा ये भी। और यह सारे हैं, खाना वाना खाएंगे अपना, दाल वगैरह लेंगे, छोटा सा ढाबा है ये, फिर चलेंगे क्योंकि रास्ते में तो कुछ है नहीं, अगर रास्ते में कहीं रुके तो फिर और कुछ दिखाएंगे। अयोध्या से आ गए थे भाई, और अयोध्या से आए हुए मेरे को हो गया 1 दिन। आज है हम भाई अपनी वरना में, और ये है मेरा छोटा भाई अभी, इसको भी आपने पहली बार देखा होगा व्लॉग में, ये पहले आया नहीं था, अब आया करेगा, अभी आया हुआ भाई छुट्टी पे। भाई का जो है भाई सब मेरी तरह खाली नहीं है, सब काम करते हैं। और भाई अब आपको बता देते हैं अयोध्या का एस्टिमेट। भाई अयोध्या में रहा 10 दिन, 10 दिन में आप मेरे होटल का था भाई 1500 रुपये एक दिन का चार्ज, 15,000 रुपये होटल का हो गया। और अगर आप अयोध्या जाते हो नॉर्मली छोटी गाड़ी लेके, जैसे मैं लेके गया था स्विफ्ट, मेरी VXI है भाई पेट्रोल, तो मेरी लगती है 2 टंकी, पर मैं वहाँ 10 दिन रहा तो मैंने वहाँ भी चलाई गाड़ी, मेरा लगा तेल भाई 8,500 रुपये का। और अगर वैसे मैं नॉर्मली इसको फुल कराता हूँ तो 3500 रुपये में हो जाती है मेरी स्विफ्ट जो है फुल, तो लगभग 2.5 टंकी आप लगा लो। 1 टंकी में मैं चला गया, और 1 टंकी मैंने वहाँ जाते ही फुल करा ली थी, आधी टंकी मैं वहाँ पर घूम भी लिया था, और एक बार मैं लखनऊ भी आ गया था भाई, फिर लखनऊ से वापस गया, और फिर मैंने जाने का जो टाइम था तब मैंने फुल कराई, मतलब 2.5 टंकी मेरा तेल लग गया पूरा पूरा। और खाने पीने का भाई ऐसा है, वहाँ चल रहे थे भंडारे, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे अलग अलग स्टेटों में से, किसी ने 2 महीने का रखे थे, किसी ने 3 महीने के लिए भंडारा, बढ़िया घर जैसा खाना स्वादिष्ट, उसमें आपको पूड़ी खिचड़ी वगैरह सब कुछ बिल्कुल भाई सारी चीज़ें। तो एक टाइम हम वहाँ खा लेते थे भाई भंडारे में, और एक टाइम अपने होटल में या रेस्टोरेंट जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था। तो 600 रुपये का आप ये लगा लो एस्टिमेट, हम 3 जने थे, 3 जनों का भाई 600 रुपये का खाना पूरे दिन का, मतलब एक टाइम का अगर भाई भंडारे के हिसाब से मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ, बाकी अगर आप जाओ तो आप उस हिसाब से अपना देख लेना, एक खाली आइडिया से आइए। तो 6,000 रुपये का लगभग खाना भाई, फ़ोन आ रहा है एक मिनट, 6,000 रुपये का खाना हो गया मेरा, तो टोटल मेरा यही था। और टोल टैक्स भाई लगभग 3,000 रुपये के टोल टैक्स आने जाने में, मैं लखनऊ भी गया तो इसलिए मेरा थोड़ा फालतू हो गया, नहीं तो 1410 रुपये एक तरफ पड़ता आप सीधा दिल्ली से आप अयोध्या जाओगे तो 1410 रुपये एक तरफ, तो 3,000 रुपये मैं अपना बता रहा हूँ, 3,000 रुपये मेरा टोल हो गया भाई, 8,000 रुपये 8,500 रुपये तेल हो गया, और 1500 रुपये पर डे के हिसाब से भाई 15,000 होटल के हो गए, खाने के हो गए 6,000, टोटल भाई मेरे 32,500 रुपये लगे 10 दिन में सारा खर्चा। भाई किसी का थोड़ा फालतू लग जाए, किसी का कम, अपने अपने स्टेटस के हिसाब से, कोई भाई बढ़िया होटल में रहिए, भाई अपना मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल जायज़ था इतना खर्चा। और मेरे साथ फैमिली थी भाई, फैमिली को तो मैं क्या दिखाता आपको,
तो अगर हम यार दोस्त जाते तो शायद खर्चा और कम हो जाता, फिर हम उस हिसाब से ही होटल भी ले लेते थोड़ा सस्ता सा। तो बाकी इतना एस्टीमेट आप मान के चलो 32,500 का। बाकी और आप लोगों को भाई नए नए कंटेंट दिखाएंगे, अब आ गए हैं दिल्ली, अब जल्दी से कहीं ना कहीं और घूमने जाएंगे, अयोध्या हो जाए। और कल मैंने आते टाइम आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया कि रोड का क्या दिखाएं आपको, बार बार जाते टाइम तो मैंने वीडियो बना ली थी, थोड़ी बहुत थके हुए थे भाई। आप देखोगे जब ये वीडियो जब होटल पहुंचे देखना, आंखें बिल्कुल लाल हो रखी हैं, बोलना नहीं जा रहा, ठंड भाई वाह बहुत थी यहाँ के मुकाबले भी। और अभी हम भाई घूम रहे विकासपुरी, ये देखो लैम्बर्गिनी खड़ी हुई है भाई, और बढ़िया अपना वाइट कलर में ले रखी है भाई ने, हाँ वाइट कलर में ले रखी है भाई ने, और बढ़िया करा रखी है अपना। और भाई आप लोग चैनल को भाई प्यार दो सही, ताकि और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ भाई। सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और फिर से वही लाइन भाई, अपने भाई को बताओ कोई गलती है तो, बनाने में जैसे भी शुरू किया है भाई कर रहे हैं अच्छे से कोशिश ना, बार बार फ़ोन कर रहे हैं अपना भाई, आप लोगों से बात करने के बाद ही उठाएंगे भाई का फ़ोन। तो अपना भाई चैनल को प्यार दो सारे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओ, 1,000 भी नहीं हुए तुम्हारे भाई के अभी तक। बाकी अब कहीं जाएंगे तो बताएंगे सारे भाइयों को। राम राम भाई, फिर मिलेंगे किसी और नए व्लॉग में, अभी के लिए भाई राम राम।